वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ये मैंने एक दिखाने के लिए आपको एक डिज़ाइन मैंने आप लोगों के सामने ये बना के रखा हुआ है। ये इसलिए बनाया है कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस तरह से डिज़ाइन हम बिना लटकन लगाए और अपनी डोरी में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिज़ाइन आप अपनी डोरी में बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है ये बनाने के बाद। ये डिज़ाइन को आप घर में बैठ के अपनी डोरी में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस डिज़ाइन को आप घर में बैठ के बहुत ही आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, और इसको डोरी में लटकन की ज़रूरत नहीं है, और डोरी में लगा करके आप बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं, वो भी घर में, कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस तरह का डिज़ाइन हम घर में बैठ के कैसे बनाएं। तो ये रेडीमेड डोरी है जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। ये डोरी आप ला सकते हैं घर में, और कपड़ा तो जिसका आपको बनाना है, इसमें हम अलग तरह के भी कपड़े यूज़ कर सकते हैं और सेम कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेम कपड़ा मैंने लिया हुआ है, इसमें तीन लेयर काटे हुए हैं, 5-5 इंच चौड़े चौरस बना लिया, 5 इंच चौरस कपड़ा ले लिया है। यहाँ पे तीन कपड़े लिए हुए हैं, ये देखिए तीन कपड़े हैं यहाँ पे, और तीनों को मैंने बराबर स्टिच किया है। ये एक कच्ची सिलाई मारी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये कच्ची सिलाई है, ये इसलिए मारी हुई है कि आप लोगों को जब ये डिज़ाइन बनाना होगा तो ये कच्ची सिलाई मार लें तो इससे क्या होगा, खिसकेगा नहीं कपड़ा और इक्वल डिज़ाइन आएगा। ये देखिए सीढ़ियाँ सी जो बन रही हैं आप देख रहे होंगे इस डिज़ाइन के अंदर, जो सीढ़ियाँ सी बन रही हैं, ये बराबर बराबर का गैप है। इसमें अगर नई सिलाई मारेंगे तो कोई भी इशू नहीं है, अगर आपको परफेक्ट हाथ है, बिल्कुल 100% आप लेके चलते हैं, नहीं तो एक कच्ची सिलाई मारने में कोई इशू नहीं है, आप कच्ची सिलाई मार सकते हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले 5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, तीन कपड़े लेने हैं, एक सबसे जो नीचे रखना है, उसके बाद एक बीच में रखना है, ये देखिए एक सबसे नीचे रखना है, फिर एक बीच में रखना है, और एक लास्ट में रखना है। अब क्या करना है दोस्तों, इस रेडीमेड डोरी को हम यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर जो ये वाला बन साइड है और ये हमारा नीचे की साइड है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, जहाँ हमारा बिल्कुल बराबर फिनिशिंग के साथ आ जाए वहाँ हम रख लेंगे इसको, और ऐसे फोल्ड करना है इसको, इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और एक के ऊपर एक लेयर आना चाहिए हमारा, नहीं तो कपड़ा हमारा डिज़ाइन का इक्वल नहीं आएगा। तो दोस्तों इस पर क्या करना है, फिर उसके बाद एक सिलाई मारनी है आपको यहाँ पर, ऐसे फोल्ड करके, ये देखिए ये इसके अंदर डोरी फंसानी है, और ऐसे करके इसको रख लेना है, और हमारा ये कपड़ा बराबर आना चाहिए। ये देखिए आप बराबर आ गया मेरा, नोक से नोक मिल गया। उसके बाद हमें ये कपड़ा जो है फालतू का, ये ऐसे मोड़ देना है ऊपर की साइड, ऐसे मोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको ऐसे हल्का सा सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, ये सिलाई लगा लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये जो है ना, ये कोना बिल्कुल जो है इससे थोड़ा सा आधा इंच हमें बीच में रखेंगे, और बीच में ही सिलाई मारेंगे, यानी कि जो ये आधा इंच है यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे, आधा इंच का हमें गैप रखना है नीचे की साइड में, नोक बनाना नहीं है, नोक बनाएंगे तो मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हमें यहाँ पे आधा इंच की गैप रखना है नीचे की साइड में ऐसे करके। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे घुमा देना है, और इसको घुमाने के बाद क्या करना है दोस्तों, डोरी का भी ध्यान रखना है कि डोरी आपकी ऊपर ना रह जाए, सिलाई में दबाव आना चाहिए डोरी का, ठीक है दोस्तों। तो ये डोरी का दबाव हमने सिलाई में लेना है, यहाँ पे मैंने पक्का कर दिया, और इसको क्या करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये चौरस बना दिया है, यहाँ पे चौरस बना दिया है, आधा इंच का गैप रखना है यहाँ पे, और डोरी आपकी जो है आधा इंच और इसके बीच में, बिल्कुल बीच में आनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे बीच में आनी चाहिए डोरी। अगर आपके साइड में रहेगी डोरी तो फिर कहीं ना कहीं मोड़ने में आपको बाहर सीधा करने में इसको दिक्कत होगी, तो आपको ये चौरस बनाना है। ये देखिए चौरस मैंने बना लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, चौक का निशान हटा देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल सफाई से दिख जाए। ये देखिए मैंने चौरस बना लिया है यहाँ पे, ये चौरस बनाया है मैंने, ऐसे ऐसे चौरस बना के डोरी इसकी इस वाले नोक के और इस वाले नोक के बीच में रखा है, ताकि ये मोड़ने में हमारी दिक्कत ना हो। अब इसको क्या करेंगे, सफाई से इसको क्या करना था हमने, ये देखिए इसको फोल्ड कर दिया हमने, ये भी बाहर की तरफ कच्चा कपड़ा निकलेगा नहीं, इसको बाहर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, ठीक है, और इसको समोसा शेप में हमने बना लिया है। तो इसको क्या करना है, सीधा यहाँ से कट करना है,
थोड़ा मोटा हो जाता है, कट करने में थोड़ा मुश्किल होगा मगर कट जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। ये मोटा इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें जो है ना पेस्टिंग लगी हुई है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा मोटा हो गया है और कटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप नॉर्मल कपड़े पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, देखिए पेस्टिंग है इसमें, ये पहले से ही मोटा है और तीन लेयर होने के बाद जो और ज़्यादा मोटा हो गया है, तो आप नॉर्मल में भी बना सकते हैं। अगर ऐसे पेस्टिंग में बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ईजी तरीके से इसको देखिए मैंने ये कट कर लिया है। इसके चारों तरफ आप क्या करेंगे, यहाँ पर नोक पर हम बिल्कुल कटिंग करके हटा देंगे, जो कपड़ा है ना फालतू का ये हम नोक के पास हटा देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, नोक के पास हम यहाँ पे जो नोक देख रहे हैं आप, यहाँ से हटा देंगे कपड़े को और यहाँ पे भी नोक के पास हटा देंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही सफाई के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा और जो ये ऊपर की साइड था इसको भी हटा देंगे। मतलब कपड़ा ना यहाँ पे ज़्यादा छोड़ना ही नहीं है आपको, सिलाई के बाद थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना मोड़ने में आपको दिक्कत। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सफाई के साथ ये डिज़ाइन आपका बन के तैयार हो गया है। इस तरह से डिज़ाइन आप घर में बैठ के बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इस तरह से हम डिज़ाइन को पूरा कम्प्लीटली बना लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये डोरी इसके अंदर चला गया है, बहुत ही सफाई से आप लोगों को ये डिज़ाइन बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी नहीं तो आपका डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। ये बहुत सुंदर लगता है बिना लटकन के, हम इसको क्या है कि हम जब इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो क्या है कपड़े की वजह से ये ना चुभता नहीं है, नहीं तो लेडीज़ों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है उठने बैठने में या लेटने में, ये लटकन वगैरह चुभती हैं। तो इस तरह के डिज़ाइन आप घर में बैठ के बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से, आप इसको घर में ट्राई करें, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनने वाला है आप लोगों के साथ। देखिए कितना प्यारा लगता है डिज़ाइन, बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं और वो भी घर में इजी तरीके से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर भी करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तब तक बने रहें हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन टिप्स में, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।